आपको लखनऊ का वो खौफनाक मंजर तो याद ही होगा। 27 जनवरी 2023 का दिन इतना भयानक था कि वो अपने साथ लखनऊ वासियों के लिए मौत की सौगात लेकर आया था। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित वजीर हसन रोड पर 27 जनवरी को एक रिहायशी बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी। उस हादसे में जो लोग बेघर हुए थे वो सारे परिवार एक साथ इकट्ठा होकर अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिन लोगों ने उस हादसे में अपने अपने आशियाने खोए थे वो अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही स्लोगन के साथ अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि हादसे को हुए एक महीना बीत गया मगर अभी तक परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिली है। हादसे में जो लोग बेघर हुए थे उनमें से भी कुछ तो अपने रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर है तो कुछ किराए के मकानों। इसी मजबूरी के चलते पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं और सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों की ये मांग है कि सरकार बेसहारा लोगों को रहने के लिए मकान की व्यवस्था करे। पीड़ितों का कहना है कि अलाया अपार्टमेंट को गिरे हुए पूरा एक महीना हो चुका है। पिछले एक महीने में हमें सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। कुछ मिलने की बजाय अगर कोई आश्वासन भी दे देता तो हम उसके सहारे भी थोड़े और दिन काट लेते। इस घटना के अलावा अपार्टमेंट के गिरने के आज एक महीने पूरे हो गए हैं और एक पिछले एक महीने में हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं मिला। कुछ मिलने के बजाय कोई आश्वासन भी दे देता तो भी हम लोग उसके सहारे थोड़ा और महीना काट लेते, लेकिन आज के टाइम तक हमें कोई आश्वासन भी नहीं मिला है कि हम आपको ये अमुक सहायता देने वाले हैं। हमारे में से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह रही हैं, कुछ फैमिली ऐसी हैं जो अपने दोस्तों के यहाँ रह रही हैं। तो क्या सरकार से क्या मांगे हैं? क्या हमारी सरकार से दो तीन मांगे हैं। एक तो जो बिल्डर जिसने जिसकी क्वालिटी ख़राब थी और जो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम करवा रहे थे उनकी गलती के कारण ये बिल्डिंग गिरी है उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाए। दूसरा हमारी मांग ये है कि जिन लोगों का घर इसमें गया और उनके पास हमारे पास आज के डेट में रहने की कोई जगह नहीं है तो हम लोगों को सरकार एक या तो हमें फ्लैट का अरेंजमेंट कराए या उसके बराबर का हमें आर्थिक मुआवजा दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो पीछे फ्लैट के जो न्यू ये खोदी गई है इसमें भी किसके द्वारा न्यू खोदी गई है और क्या इसमें बताया गया? क्या इसमें PWD विभाग के द्वारा इसकी बिल्डिंग की गुणवत्ता की जांच के लिए ये नींव खोदी गई और नींव खोदने से ये दिख रहा है यहाँ पे कि क्लियरली टाई बीम कटा हुआ है और बिल्डिंग की निर्माण भी आप देख सकते हैं टाई बीम भी सीधी नहीं दिख रही है और नीचे का जो फाउंडेशन बनता है बेस बनता है वो भी बहुत पतला बना हुआ है। अपनी दुख भरी दास्तां बयां करते हुए पीड़ित का क्या कुछ कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। आज आप लोग यहाँ पर जहाँ पर आप लोग रहते थे बिल्डिंग गिर गई है एक महीना पूरा हो गया, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं बातचीत करने के लिए, क्या कुछ आप लोग अपनी बातचीत रखना चाह रहे हैं? क्या कुछ अभी तक आपको सरकार की तरफ से सहायता मिली? क्या कुछ मांगे हैं? सर अभी तक तो कोई सहायता नहीं मिली, यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं इसलिए ताकि मेरी हेल्प करी जाए, हम सबकी हेल्प करी जाए। हम लोग रोड पे हैं, एक दूसरे के किसी न किसी के घर पे रह रहे हैं, अब मैं अपनी अप्पी के घर पे रह रही हूँ, कोई कहीं रह रहे हैं, तो हम सिर्फ ये गवर्नमेंट से हेल्प चाह रहे हैं कि या फिर हमें घर दें या फिर कुछ भी, कोई हेल्प करें हमारी, एटलीस्ट सुनिए तो हमारी, आप बिल्कुल सुन नहीं रहे। मिला था कि मतलब हमारा काम था रेस्क्यू में, मतलब लोगों को बाहर जिंदा सलामत निकालना, उसके बाद ये बिल्डिंग इलीगल है, आप लोग आज आप लोग जिस तरीके से इकट्ठा हुए हैं किन मांगों को लेकर, क्या सरकार से क्या मांग है, क्या किससे मुलाकात करनी है, आप लोग अभी तक मुलाकात किससे हो पाई है? हम लोगों की मुलाकात गवर्नमेंट करेगी लेकिन कब करेगी, एक महीना तो कोई सुनवाई नहीं। तो क्या पीड़ित परिवारों की इन मांगों के बाद सरकार के कानों में चूरेंगेगा? क्या सरकार बेसहारा लोगों की गुहार सुन कोई सहायता देगी? हादसे में बेसहारा हुए लोगों को अपना घर नसीब हो पाएगा या उन्हें यूं दर दर भटकना पड़ेगा?